आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कानपुर नगर में आज पुलिस लाइन में वैक्सीन लगवाने के लिए कानपुर के वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में पहुंचे, जहां कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक जय नारायण सिंह, एसपी वेस्ट डॉक्टर अनिल कुमार, एसपी साउथ दीपक भूकर, एसपी यातायात बंसल लाल, सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने कोरोना वैक्सीन लगाकर अपने अधीनस्थ अधिकारी तथा पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एडीजी जय नारायण सिंह ने पत्रकारों को वैक्सीन लगवाकर आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद बताया कि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रांतियों से अलग रहे। साथ ही उन्होंने अस्पताल में आए पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई भी की। पश्चिमी और दक्षिण तीनों लोगों ने आज हमने यहाँ पर टीकाकरण कराया है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम में लगभग आधे घंटे से ज्यादा तक हम लोग मौजूद भी रहे हैं। हम सभी को विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि कोई असर जगत हैं किसी भी रूप में नहीं है। सभी लोग से अपील भी है कि आगे आए और इस टीकाकरण में जिस चरण में जिसका भी अधिकृत होता है सभी लोग आगे आकर के इसमें जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। किसी भी रूप में किसी न डरने की जरूरत है, न ही किसी रूप में जाते हैं किसी दुष्प्रचार से भी प्रभावित होने की जरूरत है। मैं खुद आज यहाँ आकर के जाते हैं अपने पुलिस कर्मियों के साथ यहाँ पर जाते हैं टीकाकरण कराया हूँ। और अभी पीएससी सीएससी भी जा रहे हैं जहाँ पर हमारे कुछ पुलिसकर्मी उनका टीकाकरण हो रहा है। और सभी को पुनः मेरी तरफ से अपील है इसमें आगे आकर के जाते हैं पूरी तरह से जाते हैं सहयोग करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।